नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में जानेंगे जो लोग साथियों गठिया रोग से परेशान हैं, जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है, कमर दर्द बना रहता है और उनके मांसपेशियों में काफ़ी सारा दर्द बना रहता है, यदि आप लोग इससे परेशान हैं तो आज हम बात करने वाले हैं बूटाफ्लेम MR4 के टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ में यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको जो है साथियों दवाओं के बारे में और फार्मेसी के बारे में जितनी भी अपडेट आती हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं। यदि आप भी किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर वीडियो के माध्यम से डिटेल से जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टाइप का बनाया जाएगा, ताकि आपका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। यदि आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, यदि आप फार्मा क्लिनिक चलाते हैं या दवाओं को विशेष जानकारी रखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको विस्तार से जानकारी चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ में यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जुड़े रहेंगे, जो भी जानकारियाँ हम देंगे आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम विस्तार से जानकारी पर चर्चा करते हैं। जी हाँ साथियों, आज हम स्पेशल एक टैबलेट के बारे में बात करते हैं जो कि बूटाफ्लेम MR4 के हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि कोई भी मेडिसिन होती है, सबसे पहले आपको लेने से पहले उसकी क्या देखना है, एक्सपायरी डेट अवश्य देखना है, आखिर ये दवा कब की बनी हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने ये दवा है, तो इसमें हमने चेक किया कि दवा जो है बनाई गई है यहाँ पर 5/23 यानी कि 5 मई 2023 की बनाई गई है, जिसकी एक्सपायरी जो है 4 अप्रैल जो है 2025 तक इसकी एक्सपायरी है। और इसकी लंबी एक्सपायरी है, इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो 199 रुपये इसकी MRP है। अब इसका यूज कर के बारे में बताते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं और किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप लोग देखे होंगे ज़्यादा से ज़्यादातर जो है साथियों लोग अब परेशान हैं गठिया से। जी हाँ, उनकी गठिये में दर्द रहता है, मुड़ता नहीं है, चिलकन होती है और चलने में दिक्कत होती है, बैठ जाते हैं तो उठने में दिक्कत होती है, तो इस प्रकार की समस्या है उसमें इसको यूज किया जाता है। यदि आपके कोहनी में यहाँ पर दर्द होता है, पूरा ऊपर करने में दिक्कत होती है, वहाँ भी दिक्कत होती है, आपके कमर में दर्द होता है, आपके दोनों हाथ में दर्द होता है, इस प्रकार से आपके जंघों में दर्द होता है या नीचे के हिस्से में पौलियों में दर्द होता है, दर्द बना रहता है जोड़ों में, तो ऐसी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आपकी समस्या आपके वेट के अनुसार ज़्यादातर डॉक्टर डिवाइस करते हैं। इसका नॉर्मली उपयोग जो है साथियों सुबह शाम एक मेडिसिन यानी कि एक टैबलेट यूज किया जाता है खाना खाने के बाद। जी हाँ साथियों, जैसे कि ये 10 का है, लगभग जो है ये 20 रुपये का एक टैबलेट पड़ता है, तो इसको सुबह शाम उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से जब हफ्ते भर या 10 दिन जब उपयोग करेंगे, शुरुआती दिनों से ही आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ये किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है, ये जो है साथियों मेडिसिन के बारे में दवाई बताया जा रहा है। इसमें साथियों जो है आप लोगों का जो भी दर्द होता है, चाहे पुराने से पुराना हो या आपकी एज जो है 40 साल के ऊपर है, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। यदि आप बच्चों में होता है या महिलाओं में होता है, तो महिलाओं में ज़्यादातर उनको जो है दिखना पड़ता है कि कहीं उनको प्रेगनेंसी नहीं या बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं। अन्य प्रकार से जो भी है, इसका उपयोग करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की एक बार सलाह अवश्य ले लेना चाहिए, उसके बाद आपको इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि साथियों जब आप अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे तो वहाँ पर आपको अन्य समस्याएं, जैसे कि आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी हार्ट की कोई दवा तो नहीं चल रही है, आपकी BP की समस्या तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, तो इस प्रकार से जांच करने के बाद डॉक्टर आपको एडवाइज़ करते हैं आपको ये मेडिसिन लेना है। तो इस प्रकार से ये दवा जो है इसमें काम आती है।
मांसपेशियों में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, आपके पूरे जोड़ों में दर्द बना रहता है, चाहे कमर का दर्द हो या घुटने का दर्द हो या पौलियों का दर्द हो या कंधों का दर्द हो, हाथ में जोड़ों में दर्द हो, तो इसका उपयोग एक जगह किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना साथियों इस दवा का उपयोग के बारे में, जिसका नाम जो है बूटा फ्लेम MR 4 mg, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सभी के साथ। थैंक यू।